नमस्कार दोस्तों, आज है 22 अप्रैल। चलिए देख लेते हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती से संबंधित आज क्या न्यूज निकल कर आ रही है। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। रेट प्रथम लेवल में 5500 को और मिलेगी नौकरी। बेरोजगारों के खिले चेहरे शिखर, रेट लेवल प्रथम की प्रतीक्षा सूची का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। इस शिक्षा विभाग ने रीट प्रथम लेवल की प्रतीक्षा सूची जारी करने की तैयारी कर ली है। सूची में 5500 से अधिक अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने फाइल राज्य निर्वाचन आयोग ने दिल्ली भिजवा दी है। अनुमति मिलने के बाद विभाग की ओर से सूची जारी होगी। इसमें सामान्य व विशेष शिक्षा के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। इस सूची में रीशफल में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। पिछले दिनों बेरोजगारों ने शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को समस्या बताई थी। इसके बाद विभाग ने कवायद शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ विभाग ने रीशफल प्रक्रिया में शामिल नहीं होने वालों की सूची जारी कर दी है। इसमें आपत्ति होने पर निदेशालय को 24 अप्रैल तक रिपोर्ट भिजवाई जा सकती है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, FIR दर्ज वाले भी नहीं पहुंचे। रीट सहित अन्य जाली दस्तावेजों के सहारे भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले 40 से अधिक अभ्यर्थियों के खिलाफ विभाग ने जून 2018 में FIR दर्ज करवाई थी। विभाग ने इनका पक्ष जानने के लिए अभ्यर्थियों को मौका दिया था, लेकिन ये पहुंचे ही नहीं। नेक्स्ट है, 3500 जिला बदलने वालों को भी मिलेगा मौका। प्रतीक्षा सूची जारी करने से पहले विभाग ने इसी भर्ती में कार्य ग्रहण करने वाले लगभग 18,000 अभ्यर्थियों से जिला प्रक्रिया में शामिल होने व नहीं होने के संबंध में ऑप्शन भरवाए थे। सूत्रों की माने तो 3500 से अधिक अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलेगा। 8352 शिक्षक नहीं बदलना चाहते, ये जिला। प्रदेश के 8269 सामान्य शिक्षक व 93 विशेष शिक्षकों ने जिला आवंटन की प्रक्रिया में शामिल नहीं होने के लिए असहमति दी है। विभाग ने ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। विभाग ने 24 अप्रैल तक आपत्ति मांगी है। इसके बाद किसी भी तरह का कोई संशोधन नहीं होगा। तो दोस्तों रीट लेवल फर्स्ट से संबंधित ये न्यूज़ निकल कर आ रही है आज।